मैं हूँ आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। बुलंदशहर 48 घंटों के रेस्क्यू के बाद कोल्ड स्टोरेज से निकाले गए दिनेश व हरिश्चंद्र के शव। NDRF SDRF कई थानों की पुलिस और फायर सर्विस टीम 48 घंटों से कर रही थी रेस्क्यू। गाजर लोडिंग के दौरान कोल्ड स्टोरेज का स्ट्रक्चर धंसने से अंदर फंसे थे 4 मजदूर। आकाश और गौरव को पहले ही सकुशल बाहर निकाल चुकी थी। राहत बचाव में लगी टीमें देर रात करीब 1:30 बजे कड़ी मशक्कत के बाद कोल्ड स्टोरेज से निकाले गए दोनों शव। दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम करा तो परिजनों को सौंपे गए। परिजनों में कोहराम। सिकंदराबाद के ओल्ड खुर्जा रोड स्थित सनराइज कोल्ड स्टोरेज का मामला। पेश है बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। तथा रात को ये अचानक ये हादसा हुआ और उसमें दब गया। परिवार का खर्चा बढ़ जाए ये चलाता था, बाकी दो इससे बड़े भाई अपने अटक रहते थे, पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहा था ये। ऐसे में आप कोई गुहार लगाना चाहते हो, जैसे मजदूरी करके भरण पोषण होता था, और क्या शादी की जो आप बात बता रहे थे 5 मई की इसकी साथ में आई है 5 जून। अच्छा, ऐसे में कोई गुहार आप? हमारी गुहार यही है कि सरकार से थोड़ी अपनी तसन की मदद करी जा, क्योंकि अब इनकी आर्थिक स्थिति पहले से कमजोर थी, अब और ज्यादा बेकार हो गई है। हमारे लड़का पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहा था, एक बहन बच्ची शादी के लिए, और ये परिवार इसी ऊपर निर्भर था पूरी तरह से। तो कमाने वाला इनके दिनेश के अलावा इस परिवार में नहीं था कोई? नहीं, दो भाइयों वाला वो अपने अलग रहते हैं, शादी हो गई इनकी, सब अलग रहते, यही परिवार का खर्चा चला रहा था पालन पोषण। आपका क्या नाम है? रूपा। तो हरिचंद, क्या लगते हैं आपके और कैसे पूरी घटना हुई थी? चाचा उनके भतीजा, क्या हुआ था पूरी घटना? पूरा था मील और सब ये मील को गिर गई, मारा थे और ये नीचे बेसमेंट में काम कर रहे थे, कमजोर तरीके से जल्दबाजी में ये भरा गया। इनकी इनकी आर्थिक स्थिति क्या है? चूंकि मजदूरी करते थे, मजदूरी करते थे के लिए कमाने वाले, जो घर का पालन पोषण कर रहे हैं। 4 बच्चे हैं, 3-1 बच्चे हैं, दोनों लड़की जवान है, शादी आदि के लिए अभी किसके लिए, तो कुछ ना कुछ सरकार के लिए करनी चाहिए। तो अपने पीछे बच्चे छोड़ गए, जवान बेटी? दोनों, दो बच्चे जवान, 3 साल, बिल्कुल शादी।